है, मैं वर्तिका सक्सेना। आइए देखते हैं आज के कुछ खास समाचार। कौन कहता है कि कलयुग में धर्म और कर्म नहीं है, श्रवण कुमार जैसे पुत्र नहीं है। आज भी श्रवण कुमार जैसे पुत्र पौत्र हैं। रिसेंटली न्यूज की टीम जब रात में हरिद्वार की सुंदरता को अपने कैमरे में कैद कर रही थी, तभी अचानक एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई पड़ा। एक वृद्ध पुरुष और एक वृद्ध महिला को एक युवक कावड़ में बैठा कर तेज कदमों के साथ आगे बढ़ रहा था। इस कौतूहल को देखते ही हमने युवक से पूछा तो उसने बताया कि संसार के लोग गंगा जल लेकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं, किंतु हम अपने वृद्ध दादी बाबा को स्नान कराकर कावड़ से घर ले जा रहे हैं। युवक ने बताया कि वो मेरठ जनपद के मवाना से आया है और उसके इस पुनीत कार्य में उसके चारों भाई बराबर का सहयोग करते हैं। युवक ने अपना नाम अनिल भोला बताया। रिसेंटली न्यूज ने चारों भाइयों से बात की। चारों युवकों ने बताया कि वो कई सालों से अपने बाबा दादी को कावड़ में लेकर गंगा स्नान कराते हैं। वहीं दूसरी ओर बुलंदशहर के राजकुमार और लक्ष्मी चारों ओर चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। राजकुमार अपनी माँ को कावड़ यात्रा कराना चाहता था, लेकिन उसे सहयोग की जरूरत थी। ऐसे में उसकी पत्नी लक्ष्मी ने उसका साथ दिया और दोनों ने अपने कंधे पर माँ की कावड़ को रख कर यात्रा शुरू कर दी। जो भी देखता है यही कहता है कि बेटा तो श्रवण कुमार है, लेकिन बहू तो उससे भी आगे निकल गई। बहू हो तो ऐसी, लोग कहते हैं भगवान भाग्यवानों को ही ऐसी बहू देते हैं। कहाँ से हैं आप? मेरा क्या सुन नाम है आपका? अनिल भोला। अनिल भोला जी, तो ये जिनको आप ये कामर में बैठा के ला रहे हैं, ये कौन है आपके? ये बाबा दादी हैं। बाबा दादी हैं, अच्छा। तो आप लोग कितने लोग हैं? हम हैं जी चार जने। तो चारों लोग आपके कौन हैं? ये भाई है जी। तो चारों भाई हैं आप लोग? हाँ। अच्छा, तो बाबा दादी को आप मतलब जो है हरिद्वार लाए हैं? हाँ। तो घर से मेरठ से लेके आए हैं? नहीं जी, हरिद्वार से ले जाएंगे। हरिद्वार से कहाँ तक ले जाएंगे? मेरठ मवाना गढ़ी प्रताप। अच्छा, तो इनको मतलब यहाँ स्नान करा के फिर आप ले जा रहे हैं? हाँ। तो ये दोनों लोग मतलब जो है चलने फिरने सक्षम है? नहीं है। हाँ जी, अच्छा। आराम का हुआ था। भैया सचिन बोला। सचिन, तो हर साल आप लोग आते हैं या पहली बार आए? दूसरी बार। इससे पहले भी बाबा दादी को लेके आए थे? हमारा अपना चैनल भी है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप भी साथ में? आपका क्या नाम है? सुनील कुमार। आप इनके कौन है? मित्र भाई हैं? अच्छा, आप सबसे बड़े हैं। और आप? ये छोटे बोले। ये सबसे छोटे हैं। और आपका? ये हमारे साथ है। अच्छा, ये आपके पड़ोस के हैं? अच्छा, तो आप भी सहयोग कर रहे हैं इनका? लोग जो है गंगा जल लेके जाते हैं, तो आप मतलब जो है साथ में मतलब अपने बाबा दादी को ले जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रेम। अच्छा प्रेम जी, ये आपके पोते जो हैं ये आपकी सेवा कर रहे हैं, यहाँ लेकर हरिद्वार आए हैं आपको? मतलब कांवड़ से मतलब ये ले जा रहे हैं? तो ये आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। तो इनको कुछ आशीर्वाद वगैरह आप दे रहे होंगे? हाँ जी। ये कितनी उम्र है आपकी? 95। कम से कम 83 है। 83? अच्छा, तो इसी हिसाब से ये माता जी भी आपके साथ में, इनकी भी उम्र लगभग इसी के आसपास होगी। हाँ जी। आपका क्या नाम है? समंदरी। अच्छा समंदरी जी, तो आपके पोते आपकी बड़ी सेवा कर रहे हैं, तो ये घर पे भी ऐसे करते हैं या मतलब जो खाली घर पे भी करें? अच्छा, और बेटा आपके कहाँ है? बेटा घर है। अच्छा, शाहजहांपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर के गौतम ने स्वास्थ्य सेवाओं के निरीक्षण के साथ ही विद्यालयों का भी निरीक्षण शुरू कर दिया है। सरकार की मंशा के अनुरूप सीएमओ ने प्राथमिक विद्यालय अजीजगंज, प्राथमिक विद्यालय वाडुजय प्रथम, प्राथमिक विद्यालय लालपुर, सविलियन विद्यालय अकर्रा रसूलपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बच्चों से गणित, हिंदी, अंग्रेजी आदि विषयों पर प्रश्न पूछकर उनके शैक्षिक स्तर को परखा। उन्होंने छात्र गिनती, पहाड़े, पक्षी, फल व सामान्य ज्ञान की जानकारी ली। इसके पश्चात मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर के गौतम द्वारा ग्राम लालपुर में आयोजित ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस सत्र का निरीक्षण किया गया। दस्तक अभियान में 15 वर्ष तक के बच्चों वाले घरों में आशा से स्टीकर लगाने को निर्देशित किया। मुजफ्फरनगर में कावड़ मार्ग पर अज्ञात वाहन ने कावड़ियों को कुचल दिया, जिसमें एक कावड़िये की मौत हो गई जबकि दो कावड़िये गंभीर रूप से घायल हैं। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो।